टुडे इज इंडिया 77th इंडिपेंडेंस डे, और आज के दिन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो दैट विल टेल यू अबाउट इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दैट इज टुडे नोन एज द नॉर्थ कोऑपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई, इस मूवमेंट का अंत कैसे हुआ और इस मूवमेंट की इम्पोर्टेंस क्या थी भारत के इंडिपेंडेंस के लिए, चलिए जानते हैं ये वीडियो में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1915 से, बिकॉज 1915 वॉज द ईयर इन विच गांधी जी रिटर्न टू इंडिया आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम लंडन एंड प्रैक्टिसिंग लॉ इन साउथ अफ्रीका। 1915 में इंडिया आने के बाद फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स गांधी जी एक्सप्लोर्स इंडिया, वो एक एक कोने तक जाते हैं इंडिया में और फिर समझते हैं दैट इंडियन सोसाइटी वॉज बींग ऑप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। देन इन 1917 दिस वॉज द फर्स्ट मूवमेंट विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी एंड दैट वॉज 1917 चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह एक्चुअली हुआ क्यों था? चंपारण एक एरिया है दैट इज इन गुजरात, तो फिर वहां पर ब्रिटिशर्स ने एक रूल लागू कर दिया था सारे फार्मर्स पर, दैट वॉज दैट दे नीड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% पार्ट ऑफ देयर लैंड एंड दे नीड टू सेल इट टू द ब्रिटिशर्स एट द प्राइस दे वॉन्टेड। इसका मतलब जो फार्मर्स थे चंपारण के, दे वर गेटिंग एक्सप्लॉयटेड बाय द ब्रिटिशर्स, क्योंकि जो इंडिगो था दैट वॉज अ कैश क्रॉप एंड इंडिगो वॉज बीइंग ग्रोन बाय द फार्मर्स ऑफ चंपारण। तो फिर इसी के खिलाफ आवाज उठाई थी गांधी जी ने और फाइनली ब्रिटिशर्स गांधी जी की बात मान गए थे और वहाँ के फार्मर्सों को गांधी जी की वजह से बहुत राहत मिली थी। जो नेक्स्ट सत्याग्रह गांधी जी ऑर्गेनाइज करते हैं दैट वॉज इन 1918 अहमदाबाद एंड खेड़ा सत्याग्रह। पहले हम लोग बात करते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह की। अहमदाबाद इज अ मेजर सिटी इन गुजरात विच इज स्टिल डेट नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और उस टाइम को जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी अहमदाबाद में दैट वॉज ऑब्वियसली बींग ओन्ड बाय द ब्रिटिशर्स, और वहां पर जितने भी इंडियन मिल वर्कर्स काम करते थे दे वर बींग एक्सप्लॉयटेड, और वो कैसे, उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी प्लस उनको एक्स्ट्रा आवर्स काम कराया जाता था जिनकी वजह से उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। सो गांधी जी केम टू द रेस्क्यू। गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी सत्याग्रह के फॉर्म में रिवोल्ट किया, जिसके वजह से क्या हुआ, आगे जाकर जितने भी मिल वर्कर्स थे अहमदाबाद के दे गॉट अ 35% सैलरी रेस। उसी साल 1918 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ी फैमाइन आ गई थी, वहां पर कोई बारिश नहीं हुई थी बट स्टिल ब्रिटिश पीपल वर आस्किंग फॉर द टैक्स टू द फार्मर्स, और फार्मर्स क्योंकि उनकी फसल नहीं हुई थी वो उनको टैक्स नहीं दे पा रहे थे, पर तो भी ब्रिटिश लोगों ने कुछ दया नहीं दिखाई, वो उनके टैक्सेस लेते ही जा रहे थे। फिर उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया और गांधी जी की मदद से उनका जो टैक्स बर्डन था वो भी कम हो गया था। सो इन 1917 चंपारण सत्याग्रह और 1918 में ये दो सत्याग्रह की वजह से गांधी जी बिकेम द नेशनल फिगर ऑफ इंडिया, मगर 1918 के बाद जो हुआ दैट कॉस्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच वॉज द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड बाय सर रॉलेट इन फेब्रुवरी ऑफ 1919। रॉलेट एक्ट बेसिकली एक एक्ट था जिसमें ये मेन स्टेटमेंट था दैट एनी इंडियन कैन बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट बाय अ ब्रिटिश पुलिस। इसका सिंपल मतलब है कोई भी ब्रिटिश पुलिस कोई भी इंडियन आर्मी को विदाउट एनी क्रिमिनल ऑफेंस कैन अरेस्ट हिम, और उसके खिलाफ इंडियन आर्मी को कुछ बोलने का हक भी नहीं होगा। This act infuriated the entire nation. पूरा का पूरा देश इस एक्ट से गुस्सा हो गया। इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए इंडियन स्टार्टेड रॉलेट सत्याग्रह,
और इस रॉलेट सत्याग्रह का एक पार्ट हुआ था अमृतसर में, और अमृतसर में एग्जैक्ट लोकेशन थी उसकी जलियांवाला बाग। यस, वी ऑल नो अबाउट द ट्रेजिक जलियांवाला बाग मैसेकर विच अकर्ड ऑन अप्रैल 13th ऑफ 1919। वहां पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए और उसी दिन को बैसाखी मनाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे जलियांवाला बाग में। मगर तभी जनरल डायर, हू वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर, टोल्ड हिज ब्रिटिश मैन टू ओपन फायर ऑन ईच एंड एवरी इंडियन टिल द आर्म्स रैन आउट। और माना जाता है कि जलियांवाला बाग में मोर देन 1000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। मगर इतना ही नहीं, 1919 में और एक मूवमेंट हुई विच इज नोन एज द खिलाफत मूवमेंट। 1914 में वर्ल्ड वॉर वन के दौरान इंग्लैंड डिफीटेड द ऑटोमन एम्पायर, एंड ऑटोमन एम्पायर वॉज टू बी कंसिडर्ड द मुस्लिम एम्पायर ऑफ दैट टाइम। और वहाँ के जो हेड थे विच इज नोन टू बी एज कलीफ वॉज डिफीटेड, एंड कलीफ वॉज व्यूड एज द मुस्लिम हेड ऑफ द वर्ल्ड। जिसका मतलब जितने भी मुस्लिम लोग थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड वर्शिप कलीफ एंड कंसिडर्ड हिम एज देयर हेड। मगर क्योंकि कलीफ हार गया था, दैट डिड नॉट गो वेल विद द फीलिंग्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो फिर इंडिया में दो मुस्लिम ब्रदर्स विच आर ऑल्सो नोन एज द अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट which basically demanded that British should return Ottoman Empire to the Caliph and also should give the head of the Muslim world status to the Caliph himself. तो फिर Rowlatt Act, जलियांवाला बाग and खिलाफत movement के वजह से from 1920 to 1922 non-cooperation movement took place. Non-cooperation movement was headed by महात्मा गांधी। उन्होंने ऐसा कहा था कि दिस मूवमेंट विल बी ओनली ओवरड्रिवन बाय अहिंसा। अहिंसा का मतलब द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस। उन्होंने ये पूरी मूवमेंट नॉन वायलेंस से चलाया कि बल्कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जितने भी सत्याग्रही थे उन पर हमला करते रहे थे, उन पर वार कर रहे थे, पर तो भी दो साल तक ये मूवमेंट का एम था दिखाना ब्रिटिशर्स को दैट इंडियंस आर नो लेस। जिसके वजह से बहुत सारे इंडियंस रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब्स, बहुत सारे महान लोग जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड देयर इंपीरियल टाइटल्स एंड इंपीरियल सीट्स, दे बॉयकॉटेड ब्रिटिश गुड्स एंड दे स्टार्टेड यूजिंग इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एंड चरखा वॉज कंसिडर्ड एज द सिंबॉल ऑफ पेट्रियोटिज्म ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये मूवमेंट दो साल तक ही क्यों चली? इसका रीजन है चौरी चौरा इंसिडेंट। ब्रिटिश पुलिस वॉज फाउंड हिटिंग इंडियन मैन हु वर जस्ट स्टैंडिंग एंड पिकेटिंग द लिकर शॉप। वो उन्हें इतनी गंदी तरीके से मार रहे थे दैट 3000 फार्मर्स ब्रूटली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश पुलिस एंड किल्ड 22 ब्रिटिश मैन हु वर इन द पुलिस स्टेशन बाय बर्निंग देम ऑल। तो फिर ये जो इंसिडेंट हुआ इसकी वजह से गांधी बापू भड़क गए और उन्होंने कहा दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैज टू बी स्टॉप्ड राइट नाउ। एंड द रीजन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अभी इतनी ऊंची स्टेज पर पहुंच गया था कि लोग में अभी गुस्से की भावना भी आने लगी थी, और गांधी बापू डिड नॉट वॉन्ट दैट टू टेक प्लेस। ही वॉज अ स्टॉन्च बिलीवर इन अहिंसा, दैट इज non-violence. So that was the story of non-cooperation movement. So 1915 से 1922 तक जितनी भी स्टोरी हुई वो मैंने आपको बता दी। I hope you liked the video, and if you learned something new today then subscribe to my YouTube channel and know the things better.